से बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी का दौरा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 1:45 पे एक इंटर कॉलेज बरनाहल पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट जहां योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण करेंगे। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी का दौरा, जिसमें टैबलेट वितरण परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। मैनपुरी जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मैनपुरी को मिलेगी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 1:45 पे एक इंटर कॉलेज बरनाहल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम ऋण वितरण करेंगे। बता दें, अपने कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ टैबलेट वितरण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी की सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। आज से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। विश्वेश्वरैया सभागार में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की जाएगी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। 3 करोड़ से ज्यादा नए बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है भाजपा। कोलकाता कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां कोलकाता कांड में एक बड़ी अपडेट आई है, सीबीआई ने संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। सीबीआई को बड़ी कामयाबी, सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेश होंगे संदीप घोष। बता दें कि कोलकाता कांड पर ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, जहाँ सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई संदीप घोष को। बहराइच से बड़ी खबर, 5 साल की बच्ची पर भेड़िए का जानलेवा हमला। बहराइच में भेड़ियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के चिल्लाने पर फरार हुआ भेड़िया। बता दें कि 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने किया हमला। आदमखोर भेड़िए को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल। बहराइच में बता दें कि आदमखोर भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया। लोगों के शोर शराबे के बाद भेड़िया वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बहराइच में दिन ब दिन आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 6 साल उम्र कम दिखाकर हाई स्कूल परीक्षा दोबारा दी। सिपाही भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी पकड़ी गई। 31 अगस्त को परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच में संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बता दें कि इसमें एक अभ्यर्थी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है कि परीक्षा देने वाले कानपुर देहात का पुलकित यादव इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ मदेगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कानपुर देहात का रहने वाला है, जिसने 6 साल कम उम्र दिखाकर हाई स्कूल की परीक्षा दोबारा दी और पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ, लेकिन बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि 31 अगस्त को परीक्षा में ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। जांच में संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भेड़िए तेंदुए के हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गंभीर रवैया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। सीएम योगी का कहना है कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, मानव वन्य जीव संघर्ष कम करें, मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष ना हो ज्यादा, हाईटेक उपकरण की कमी ना हो, किसी की सुरक्षा में कोई भी कमी ना हो, जनता को लगातार जागरूक करें। सीएम योगी ने निर्देश दिए। सीएम योगी ने आज
भेड़िए और तेंदुए के हमले को लेकर गंभीर रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने एक समीक्षा बैठक की जिसमें सभी को ये बताया कि हमें मानव और वन्य जीवों दोनों की रक्षा करनी है, हर नागरिक की सुरक्षा हमारे लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी का कहना, नागरिकों को जागरूक करें, मानव और वन्य जीव संघर्ष कम करें,